गंगा में आई बाढ़ के चलते जहां गाजीपुर शहर के कई इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र भी बाढ़ से काफी प्रभावित हैं। कहीं संपर्क मार्ग डूब गया है तो कहीं घरों में पानी प्रवेश कर गया है। इसके चलते कई तटवर्ती लोग अपना आशियाना छोड़ पलायित हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित गाँवों के लोगों ने सड़क व पुल समेत विद्यालयों पर अपना डेरा बना रखा है। पशुओं के लिए सुरक्षित मैदानी इलाकों में बसेरा बनाया गया है। बाढ़ के चलते पशुओं के चारे तक का संकट बना हुआ है। हालांकि अब बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत भरी खबर है, गंगा का जलस्तर अब घटना शुरू हो गया है। जहां शुक्रवार को गंगा का जलस्तर स्थिर था, वहीं शनिवार को जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटाव जारी है। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी हसनैन ने बताया कि सुबह 10 बजे तक गंगा का जलस्तर 64.660 मीटर पर पहुंच गया है और हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से कम हो रहा है। बता दें कि कानपुर, प्रयागराज आदि जगहों पर भी गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। इधर कर्मनाशा का पानी बढ़ने से संबंधित तटवर्ती गाँवों में हाहाकार मचा हुआ है। पानी तेजी से गाँव में प्रवेश करने लगा है। ग्रामीण किसी तरह घर छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायित हो रहे हैं। कभी गंगा तो कभी कर्मनाशा के बाढ़ का कहर बना हुआ है। इससे तटवर्तियों में काफी भय बना हुआ था। हालांकि अब जलस्तर के घटने से इन इलाकों के लोगों को राहत होगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।